मैं बीपी सिंह रावत, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा। मैं आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि आज जम्मू कश्मीर से, जम्मू से ये आवाज बुलंद होने जा रही है, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर नप्रूप चेयरमैन फारूक अहमद तात्र जी का, इसके माध्यम से यहाँ पे जो ये आवाज बुलंद हुई है, ये देश के कोने कोने तक जाएगी, देश की तमाम राज्यों में जाएगी, और यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी तक जाएगी। जो हमारा एनपीएस कर्मचारियों का जो ये पुरानी पेंशन के लिए जो संघर्ष है, ये आज यहाँ पे पहुंचा है, और इस आवाज को हमारे सरकार को सुनना पड़ेगा, नहीं तो 2024 में जाना होगा। इसी की हमारी तैयारी चल रही है, और आने वाला 1 मई को मजदूर दिवस के दिन, लेबर डे के दिन, हम दिल्ली में संसद मार्च करना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर से कर्मचारियों का सैलाब आएगा, कर्मचारियों की तमाम साथी वहाँ पे पहुंचेंगे, और हम सरकार के साथ दो दो हाथ करेंगे। हम लाखों अन्य भी नहीं कर चुके हैं सभी तमाम सरकारों से, और हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान सरकार का, छत्तीसगढ़ सरकार का, झारखंड सरकार का, पंजाब सरकार का, और यहाँ तक कि हिमाचल में हमारे एनपीएस कार्मिकों ने सरकार बदल दी है। तो मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि 2024 से पहले अगर मोदी जी ने इसको अगर गंभीरता से नहीं लिया, तो 2024 में हमारे लाखों एनपीएस कार्मिक, उनके परिवार, उनके रिश्तेदार, उनके गाँव के साथी, सभी लोग, शहर, हर तरफ से पुरानी पेंशन की आवाज़ बुलंद हो रही है, और 24 से पहले अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई तो 24 में जाना होगा। जहां तक जम्मू कश्मीर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि यहां का जो कंट्रोल है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, और इसीलिए बीपी सिंह रावत जो नेशनल प्रेसिडेंट है, ऑलरेडी उनकी एक मूवमेंट है रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम, जो पूरे इंडिया में उन्होंने शुरुआत की है, और उन्होंने हमें यहाँ पे चुना है इसके लिए। तो अगर हम इकट्ठे मिलकर, मैं रावत जी से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इकट्ठे मिलकर लड़ेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन यहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम रेस्टोर होगी।